कितना भी कहे कि मैं मोदी जी की शरण में आई हूँ, ये कितना भी कहे कि मैं योगी जी की शरण में आई हूँ, ये कितना भी कहे कि मैं भारतीय लोगों की शरण में आई हूँ, ये ड्रामे के रूप में कितनी भी माफिया मांग ले, कुछ भी कर ले, इसकी वीडियो डिलीट करनी शुरू कर दी, वीडियो और यूट्यूब ने इसको वार्निंग देनी शुरू कर दी। अब ये इसकी बेल कैंसिल होने वाली है, क्योंकि ये सारी फुटेज जो है वो बेल के अंदर कैंसिलेशन आप देखेंगे, वो भी इसकी गुस्सा होंगे तो बेल कैंसिल करेंगे, तमाम ये सबूत जो है वो बेल के अंदर जाएंगे। तो ये माफी नहीं मांग रही, ये चाल चल रही है ताकि इसकी बेल कैंसिल ना हो। कितना भी कहे कि मैं मोदी जी की शरण में आई हूँ, ये कितना भी कहे कि मैं योगी जी की शरण में आई हूँ, ये कितना भी कहे कि मैं भारतीय लोगों की शरण में आई हूँ, ये ड्रामे के रूप में कितनी भी माफिया मांग ले, कुछ भी कर ले। देखिए इसने आज क्या किया है, एक कोई लड़की है कोई जिसको इसने गालियाँ दी थी, उसका नाम तो मेरे याद नहीं है, क्या नाम है उसका, कोई लड़की है कोई, वो पहले आती थी चैनल वैनल पे आती थी, आजकल शायद गायब है, दिखती नहीं है कहीं, उसको इसने बहुत बुरी बुरी गालियाँ दी। मैं आपको सुनवाता हूँ इसने क्या क्या गालियाँ दी थी, देखो आप सुनना, गालियाँ उसको दी थी बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ उसने दी थी, ये सुनो। गुड्डू सिंह पारुल आ गई है, आ गई अंडी, तेरा यहाँ क्या काम है, नाक कटी, तेरे पास नाक ही नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं, तो हमारे चरण में कर क्या रही है, तेरे को मैं खूब गाली दूंगी, नाक कटी चुड़ैल से तेरी शक्ल है, और क्या क्या गाली सुनवाएगी, इज्जत और शर्म हया गैरत तो निकल जा हमारे चैनल से, अगर बेगैरत बेइज्जती बेशर्मी होगी तो हमारे चैनल बैठ जाएगी, आती है हमें कमेंट में गाली देने के लिए। और गुड्डू सिंह ने मुझे बताया कि पारुल आ गई है तो पारुल को गाली बनती थी, और हमारे चैनल पे उनको आने की कोई परमिशन नहीं है। मैं यही कहूँगी गेट लॉस्ट, गेट आउट, गो टू हेल। सनी शर्मा जी, तो भाभी जी पारुल को बिलोंग कर दो, आपके सपोर्ट में हम लोग वीडियो डालते हैं, हमको भी गाली देती है। संतोष यादव, ये औरत जो है बहुत गिरी हुई औरत है, और वो तुमसे कुछ मांग रही है, तुम समझते कि उन्हें, और तुम उसको दे दो तो वो खुश हो जाएगी, ठीक है, समझ गए, भाभी हूँ तुम्हारी, समझा रही हूँ, एडवाइस दे रही हूँ। मतलब ये कह रही है, ये कह रही है कि, ये कह रही है कि वो लड़की जो है उसका नाम ले रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, ये कह रही है कि वो बहुत गिरी हुई औरत है, तुम उसको कुछ दे दो, वो समझ जाइए कितना गंदा उसके बारे में बोल रही है। आप समझो वो हमारी भारत की बहन है, जब उसको गंदा बोला तो पूरे भारत ने जो है उसका विरोध किया। सबसे पहले मैंने लाइव आकर के जो है इसकी वाट लगाई थी बढ़िया तरह कि भारत की बहनों को गालियां देगी, कितनी गंदी गंदी गालियां बोली रही है। एक बहन जिसको गालियां दी, जिसके समर्थन में पूरा हिंदुस्तान इसके खिलाफ खड़ा हुआ, और आज जब इसने देख लिया कि तू जो डाउन हुई है वो भारत की बहनों को गालियां देकर डाउन हुई है, भारत की माओ को गालियां देकर डाउन हुई है, तो ये माफिया मांग रही है उससे कि भाई मुझे माफ कर दो। अरे माफिया उससे ना मांग, माफिया मांगनी है तो हिंदुस्तान की बेटियों से मांग, माफिया तुझे मांगनी है तो हिंदुस्तान की बेटियों से मांग, हिंदुस्तान की बहनों से मांग, हिंदुस्तान की माओ से मांग, उन लोगों से मांग जिन्होंने उस बहन की आवाज को उठाया था जब उसको गाली दी गई थी। उसके माफ करने से क्या होगा, उसके समर्थन में जो लोग खड़े थे, जिन लोगों ने उसकी आवाज को उठाया था, उसका मजबूती से जिसने जो ना वो उसका पक्ष रखा था, उनसे माफी मांग। कितनी गंदी गंदी गालियां दी तूने, तूने कहा कि तू समझ जा ये क्या चाहती है, मतलब उसको कितना, मतलब उसको भी ऐसा दिखाया कि जैसे वो किसी प्रकार का जो है वो कोई गलत कार्य करती हो। उस वो भी कह रही है, एक इतनी अच्छी वो बेचारी लड़की, उसको कह रही है कि तू जो है वो गलत काम करने वाली है, तू जो है ना समझ जा। ये आपने सुना, दोबारा सुनो। मेरे तो भाई हम तो माफ नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे, हमारी बहनों बेटियों को गालियां देगी तो भारत माफ नहीं करेगा, भारत की बेटियां माफ नहीं करेगी और भारत की माएं माफ नहीं करेगी। ये सिर्फ एजेंडा है। जब इसने देख लिया कि यूट्यूब ने इसकी वीडियो डिलीट करनी शुरू कर दी, वीडियो और यूट्यूब ने इसको वार्निंग देनी शुरू कर दी,
अब ये इसकी बेल कैंसिल होने वाली है क्योंकि ये सारी फुटेज जो है वो बेल के अंदर कैंसिलेशन के अंदर जाएंगी जाएंगी, तो जज साहब देखेंगे वो भी इस गुस्सा होंगे तो बेल कैंसिल करेंगे, तमाम ये सबूत जो है वो बेल के अंदर जाएंगे। तो ये माफ़ी नहीं मांग रही, ये चाल चल रही है ताकि इसकी बेल कैंसिल ना हो। इसका माफ़ी मांगना मकसद नहीं, इसका मकसद तो अपने आप को बचाना है। ये सुनो, क्या ये गालियां माफी मांगने के काबिल है? दोबारा सुनो, जो तुम्हारे जख्म जो है वो हरे के हरे रहे, जो भारतीयों को गालियां दी, जो भारतीयों को जलील किया, भारत की बहनों को जलील किया, भारत की माओं को जलील किया, एक पाकिस्तान की आई भी इलीगल लेडी ने जो हमारी छाती पे मूंग दलने का काम जिसने किया, वो इतनी घटिया बोल रही है हमारी बहन के बारे में, हमारी बेटियों के बारे में, उसको भारत माफ नहीं करेगा। वो कौन है माफ करने वाली? जिसको गालियां दी वो माफ करने वाली कौन है? वो माफ करने वाली नहीं, माफ करने वाले वो हैं जो भारत की बेटियां हैं, भारत की माएं हैं, भारत की बहनें हैं, जिन्होंने तुम्हारा डट के विरोध किया और उस बेटी के समर्थन में, उस बहन के समर्थन में खड़े हुए। जब तक भारत की जनता माफ नहीं करेगी, तुम्हारी कोई माफी नहीं होगी। ये सुनो, दोबारा सुनो, क्या ये बातें माफ करने योग्य हैं जो जानबूझ के कही गई हैं? सुनो, गुड्डू सिंह, पारुल आ गई है, आ गई। पारुल कौन है भाई? दोस्तों अगर बेगरत बेइज्जती बेशर्मी होगी तो हमारे चैनल बैठी रहेगी, आती है हमें कमेंट में गाली देने के लिए। और गुड्डू सिंह ने मुझे बताया कि पारुल आ गई है तो पारुल को गाली बनती थी, और हमारे चैनल पे उनको आने की कोई परमिशन नहीं है। मैं यही कहूंगी, गेट लॉस्ट, गेट आउट, गो टू हेल। सनी शर्मा जी, तो भाभी जी, पारुल को ब्लॉक कर दो, आपके सपोर्ट में हम लोग वीडियो डालते हैं, हमको भी गाली देती है। संतोष यादव, ये औरत जो है बहुत गिरी हुई औरत है और वो तुमसे कुछ मांग रही है, तुम समझते क्यों नहीं? और तुम उसको दे दो तो वो खुश हो जाएगी, ठीक है? समझ गए, भाभी हूँ तुम्हारी, समझा रही हूँ, एडवाइस दे रही हूँ, तो उसको छोड़ दो। तुम भी आदमी हो, कैसे है, 100 सुनार की एक लोहार की, औरत 100 बकवास कर ले, आदमी का एक अल्फाज औरत पे भारी पड़ जाता है, ये हमारा विश्वास है। तुम भी एक आदमी हो संतोष यादव, तुम इनको सुना दिया करो, अगर आदमी हो तो, लड़की हो तो। मतलब उस बेचारी ने इसको कभी गालियां नहीं दी, वो तो कभी गालियां देती नहीं, हमने आज तक उसको गालियां देते, कितने चैनलों पर वो आती है, कमेंट भी करती है, अब तो उसके कमेंट आने भी बंद हो गए, एक दो चैनलों पर लाइव लाती है वो, पहले आती होगी, उसने कभी गाली नहीं दी, कभी। और फिर दोबारा इल्ज़ाम लगाया कि मेरे बच्चों को गालियां दे रही थी, सफाई में जो इल्ज़ाम लगाया कि मेरे बच्चों को इस लड़की ने गालियां दी, बताओ जब वो इसको ही गालियां नहीं देती तो इसके बच्चों को गालियां कहां से दे देगी? कितनी गंदी गंदे इल्ज़ाम लगाए, बताओ क्या ये माफ करने योग्य है? ये माफी नहीं मांग रही, तुम्हें समझना पड़ेगा। ये कह रही है कि मैं भारत की बहनों से माफी मांगती हूं कि मैं आपकी शरण में आई हूं। शरण में नहीं आई तू, अगर तू शरण में आती तो तेरा काम नाच गाना करके वीडियो बना के समाज में गंदगी फैलाने का नहीं था। तेरा काम ऐसी गंदी गंदी हरकतें सचिन के साथ करके तू वीडियो बना बना के वायरल कर रही है, जिससे हमारी बहनों बेटियों पर असर पड़ रहा है, गांव देहात की या शहर की लड़कियों पर भी असर पड़ रहा है, और इतनी गंदगी बना रही है कि हम अपने घर के अंदर अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी माओं के साथ वो तस्वीर दे, वो तेरी रील देख नहीं सकते, तेरी वीडियो देख नहीं सकते, हमें शर्म आती है, इस प्रकार की हरकतें कर रही है, तो ये शर्म है? गंदी वीडियो बना के समाज में उसको गंदगी को फैलाना, समाज को दूषित करना, समाज को खराब करना, सिर्फ पैसा कमाने के लिए यूट्यूब से, क्या ये शरण है? आप ये भारत में जो शरण मांग रही है, कह रही है मुझे माफ कर दो बहनों, भारत की बहनों, और मैं यहां तुम्हारी शरण में आई हूं। शरण में नहीं आई, बल्कि तुम्हें नीचा दिखाने आई है। ये हमारे भारत की बहनों को, महिलाओं को सीमा हैदर नीचा दिखाने आई है, अपने पति को बिना तलाक लिए आई है, घर बेच के आई है, उसका उसके सामान बेच के आई है, उसको जो है ना
दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया, उसके बच्चे ले आई, रिपेयर के 3 लाख रुपए ले आई और उसको पूरी दुनिया में अपने पति को जलील करा दिया। वो औरत ही क्या जिसकी वजह से उसका पति जलील हो जाए? मैं उसको औरत नहीं मानता। औरत तो वो है कि अपने ऊपर 100 आँच आ जाए लेकिन अपने पति के ऊपर ना इज्जत की आँच आने दे ना किसी और बात की आँच आने दे, उसके मान सम्मान में कोई आँच नहीं आने देती, वो है भारत की महिलाएं। और तुम भारत की महिलाओं को कह रही हो कि तुम्हारी शरण में आई, भारत की महिलाओं की शरण में नहीं आई, बल्कि भारत की महिलाओं की जो शर्म है, जो हया है, जो संस्कृति है, उसको खराब करने के लिए आई है। हम कैसे शरण दे दें इसको? अगर इसको शरण लेनी होती, कोई इसको वीडियोबाजी नहीं करनी थी, कोई डांसबाजी नहीं करनी थी, किसी महिलाओं को गालियां नहीं देनी थी, किसी भारतीय लोगों को गाली नहीं देनी थी, कोई ऐसा काम नहीं करना था जिससे भारत के लोगों की आत्म की किसी प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचे, भारतीय लोगों को गलत लगे, भारत की बहनों को गलत लगे, भारत की माँ और बेटियों को गलत लगे, भारत के किसी भी नागरिक को गलत लगे। अगर इसको शरण मांगनी थी तो चल, तूने गलती कर दी, गलती करके तू नेपाल बॉर्डर से आई, तूने कानून को तोड़ दिया, लेकिन गलती करने के बाद जब FIR दर्ज हुई, तुझे जमानत मिल गई, फिर तो तुझे गंदी हरकतें छोड़नी चाहिए थी, फिर तो तुझे कानून, जो भारत का कानून है, उसकी पालना करनी चाहिए थी। एक गलती करके आई तो दोबारा तो गलती नहीं करनी थी, भारत के कानून की पालना करनी थी, भारत की संस्कृति की इज्जत करनी थी, भारत के समाज में जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों पे चलना था, उनसे कुछ सीखना था, भारत की संस्कृति से कुछ सीखना था। अब कोई इसको भारत की संस्कृति कह देगा?